हाँ अभी दिन हो रहा है यहाँ पे, अच्छा दिन हो रहा दुबई नहीं है, है। अमेरिका है। हाँ मतलब गोले से याद आया, अमेरिका है, सॉरी, मतलब ये गोले के चक्कर में भूल जाता हूँ ना कभी मैं। अच्छा अमेरिका में घूम रहे हो, अच्छा हम भी आएंगे कभी, अच्छा हम भी आएंगे कभी, अच्छा हम भी आएंगे अरे कभी भाई, अरे भाई, अमेरिका। तुम्हारे पास तो वो URF है भाई, URF लेके आ जाओ अरे यहाँ पे, वो तुम्हें कहाँ वीजा वीजा की अच्छा, जरूरत अरे है। वो तो भैया हमारी बुलेट है, बहुत ही अच्छा है, रैप करवा रखा है भैया, विमल का हाँ बिजनेस हाँ खोल रखा है क्या। अच्छा, पीके भैया ये हेलमेट डाल के तुम डोलते रहते हो तो ये 50 डिग्री में तुम्हें मतलब गर्मी नहीं अरे लगती? भैया आपको पता नहीं है इस हेलमेट की पावर कितनी है, अगर वो आपको पता चल गई तो भैया जी समाप्त है। पता क्या, अगर ये जो धूप है ना, इस येलो है, येलो अब्सॉर्ब करता है धूप अच्छा को, सनलाइट को येलो हेलमेट अब्सॉर्ब करता है, तो धूप नहीं लगती मुझे बिल्कुल भी। अच्छा, मतलब कि यार इतनी धूप में डोलना बहुत ही बड़ी बात है ना, इतनी हेलमेट डाल वो के। तो अच्छा मेहनत है, वो तो मेहनत है, अब जो मैं कर रहा हूँ वो तो आप सभी का प्यार है, अब ये प्यार पाने के लिए इतनी मेहनत कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं नो तो नो 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 नो, जिंदाबाद। दीपक सर दीपक सर, मैं मनाली आऊंगा आपके पास, ठीक है। एक्चुअली नो ही है ऐसे, बॉडी बिल्डर्स कैन उसके लिए तो तुमको डोला बनाना पड़ेगा, है डोला बनाना पड़ेगा, क्यों इतना डोला बहुत है हमारे लिए, और ओनली डोले वाले अलाउड है। अच्छा डोले वाले अराउंड है, अभी तक आप किसी का डोला नहीं है इधर, ये लो ये देख लो, ये कौन सी सिटी से हो? ओ ये देखो, अपने भाटी भाई है, अपने वो देखो सब दिखा रहे डोला, हैं तुम्हें, तो जय आपकी भाटी, जय भाटी, जय भाटी, जय भाटी, जय भाटी, गुजरी कहते सारे फैन है इधर आपके भैया जी, सारे फैन है, गुजर समाज सारा गुजर। अरे मेरे तो फैन, लेकिन मैं सिर्फ गुजरों का फैन हूँ। चलो ओके ब्रो, ठीक अरे है, नहीं लव नहीं यू। भाई, अगर तुम गए ना पीके भैया, मैंने जान दे देनी है सर पटक पटक के। क्या कह रहे हो आप? भाई अगर तुम अभी तुम लाइव से गए ना पीके भैया, तो मैंने मेरी जान दे देनी है सर पटक पटक के। हाँ अच्छा ये बात है, तो भाई, जाना ये नहीं गुलाबी है, जाना नहीं है। देखो पीके भैया क्या हुआ, वाला मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। वो क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, मैंने बताओ अभी है बताओ। ना 2 हफ्ते पहले मैंने चौराहे पे एक बंदे को मार दिया, अच्छा ठीक है। हाँ, मैंने चौराहे पे एक बंदे को तोड़ दिया, तो आज मेरी इलाहाबाद में पेशी थी भाई। अच्छा तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या जब पुलिस हुआ? वालों ने मुझे सुनो, जब पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट किया ना, हाँ मैंने पुलिस वाले को ये बोल दिया कि भाई तेरा गुंडा शहर है, दबके वो रह नहीं सकता। अच्छा भाई तेरा चीता सर है, दबके ये रह नहीं सकता, हाँ भाई, वो बदमाश पुलिस वाले है, ने बदमाश है, सुनो, बदमाश रह रहेंगे। हाँ भाई, वो पुलिस वाले ने वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी और जज को सुना दी। जब मैं जज के सामने था ना, मैंने जज को ये हाँ। बोला कि भरी कोर्ट में गोली चला दूंगा मेरी जान, ठीक अच्छा है। हाँ, तो जज ने, पता है जज ने क्या बोला, कि क्या एक बोला, काम क्या कर, अब बोला? तू 6 महीने बाद, 6 महीने बाद है ना, महंगे से महंगा लहंगा लेके तेरी औरत के लिए जाइयो जमानत के बाद, अच्छा सोचो। हाँ फिर क्या बोला, फिर क्या बोला? पागल है तू, मतलब फिर क्या सट्टा बोला, हुआ है क्या? तेरा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ यहाँ जमानत पे मुझे अभी बाहर आना पड़ेगा, 6 महीने बाद मुझे लहंगा लेके आना पड़ेगा मेरी औरत के लिए। मतलब बात का मुद्दा ये है पीके भैया, कि ये जो हरियाणवी सॉन्ग है ना, उसके हाँ मोटिवेशन में ज्यादा उड़ो मत, अच्छा उनके मोटिवेशन के चक्कर में देखो यहाँ पे, मतलब चौराहे पे मैंने बंदा भी मार दिया, इलाहाबाद में अच्छा पेशी भी हो गई, और अच्छा थारा भाई गुंडा से दबके वो अच्छा रह भी नहीं सकता था अच्छा ना, थारा भाई अच्छा गुंडा से दबके कैसे रहूंगा मैं, बता। अच्छा हाँ, अच्छा, समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ, दिक्कत हाँ, में तो चल रहे हो आप, मतलब ये कोई कोई हरियाणवी जो बात नहीं, सॉन्ग है कोई ना, बात नहीं, दिक्कत में चल रहे हो, कोई बात नहीं। हरियाणवी सॉन्ग है ना पीके भैया, वो सेहत हाँ के लिए हानिकारक है, अच्छा मुद्दा ये है। हाँ अच्छा कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं, आप दुबई हो, दुबई में मोजे लो और मजे लेके मजे लो। डिक्लाइन
दुबई नहीं है, अमेरिका है क्या? ये दुबई में नहीं रहते, अमेरिका रहते हैं। अमेरिका अमेरिका अच्छा कोनो बात नहीं, अमेरिका रहे दुबई रहे, विदेश तो विदेश ही है। हाँ और तो और पीके भैया, पुलिस वाले को जब मैंने ये बोला ना कि कबूतर मरे गुलेल से कदी बाज मरते नहीं, पता है वो पुलिस वाले ने क्या बोला मुझे? पुलिस वाले ने मुझे दो चमेटे मार के ये बोला कि साले चिड़ियाघर लेके डोल रहा है तू, कभी चींटी कभी कबूतर कभी बाज। अच्छा हाँ मतलब देखो पीके भैया मेरे पर तो गुजरी, अब आप अपना देख लो, तुम पीके बन के डोल रहे हो तो इतना ज्यादा मत डोलो, मतलब जिस दिन तुम फंसेगे, तुम फंस गए ना। अरे भैया कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मतलब तुम पीके भैया हो कहाँ से, इंडिया में कौन से सिटी से हो आप? अरे गुड़गांव से तो ये अपने अक्की भाई भी है। मैं नोएडा से हूँ। अच्छा अच्छा भाई, अपना एक भाई है गुड़गांव का, प्रधान है वो, मतलब चप्पल मार्केट का बहुत बड़ा प्रधान है वो। चप्पल मार्केट का? हाँ अच्छा, चप्पल मार्केट का प्रधान है वो भाई अपना। वो कभी भी तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए ना भाई, एक बार मुझे बता देना पीके भैया, मतलब गुड़गांव में। हाँ गुड़गांव में अपना है ना भाई टोरा चालीस है भाई। दीपक दो बात बताई यार, कब से तू बैठा हुआ है भाई? दीपक को भाई, दीपक बताओ कुछ। आज दीपक को कुछ नहीं दिख रहा इसके सिवा, कुछ नहीं दिख रहा है। पुलिस अक्की भैया दिखाई दे रहे हैं, अक्की भैया के साथ। अक्की भैया की जय। अच्छा देखो कैसे सो रहा हूँ, इसने मेरी जगह भी ले ली है। अक्की भैया के लिए मेरे बिस्तर से राजा दिखा। देखो भाई मैं एक चीज दिखाती हूँ तुम लोगों को भाई, गॉड पनौड़ी देखना जरा क्या हालत हुई हुई आज यहाँ पर, मतलब हद ही रखी है इस आदमी ने। ये देखो। अच्छा मतलब दीपक तो कतई किया है तब से, मतलब ये किसी को भी इस बेड पे लेटने नहीं दे रहा है और कह रहा है कि इस पे सिर्फ पक्की और मैं ही सोएंगे। फूल बिछाया हुआ है। हाँ मतलब दीपक के तो अभी दिल के अंदर मतलब बहुत ही रोमे। ए दीपक, दीपक पनौड़ी कुछ कह रहे भैया, मतलब तेरे दिल में तो बहुत, तेरे दिल में तो बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग चल रहे होंगे अभी। अरे नहीं, मैंने वो माइला के लिए और अक्की भाई के लिए सजाया है। वोटा वोटा झूठ इट इज, हमें नहीं लेटने दिया जा रहा है वहां पे और कह रहा है कि मेरे लिए सजाया है, झूठा। ये सिर्फ इसके लिए है, सब कुछ इसके लिए किया गया है। अरे नहीं नहीं अच्छी भाई, तो भाई मानता हूँ भाई, कॉमेडी है, इनफैक्ट मैंने महिला को क्या बोला कि हम तीनों लाइव जाएंगे पूरी रात। नहीं नहीं सही बात है, मतलब कि अब तू सोने नहीं देगा ना इन महिला को और अक्की को आज। मतलब वो खाना खाया बोलना कर। हाँ। सर अरे की मैंने खाना ही नहीं खाया, सिर्फ नशे करता था मैं भाई। पहली बार आज मैंने खाना खाया पेट भर के। अक्की को देख के भूख बढ़ गई इसकी। नहीं नहीं अच्छी बात है, मतलब दीपक देख बात को समझा कर, जब एक कपल मनाली जैसे ठंडे प्लेस पे आता है ना तो बातों को समझा कर, मतलब रात के बहुत सारे प्लानिंग होते हैं। बच्चा है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फिर ये अक्की ने तो ये सोचा था कि भाई ये हमारी बेटी के साथ खेलेगा दीपक। बिटिया को छोड़ देंगे दीपक चाचा के साथ और तुझे साले अक्की के साथ खेलना है। सरों गले तो मतलब विचार है, इतना ड्राइविंग करके इतने ट्रैफिक में फंस फंस कर यहाँ तक पहुंचे है कि भाई चलो मतलब ठंडा माहौल है, वेदर अच्छा है, वो महिला ने छुट्टी ली है कि भाई चलो अक्की ने भी जिम से छुट्टी ली, मतलब दीपक कुछ सेंस होता है ना यार। पीछे देखो, पीछे पीछे देखो इसके। पता जैसे ही माइला उसने मम्मी से बात करवाऊ, मैंने मम्मी से कभी बात की नहीं, उसके बेचारे के 10 कॉल आते दिन में। इसने बदतमीज ने इतने दिन से आंटी के कॉल आ रहे थे, बात नहीं की इसने, आज मैंने कह के बात करवाई है इसकी, पागल।
और मेरे मम्मी ने कहा सबसे पहले अक्की को इनवाइट करो बंगले में, सबसे पहले अक्की को, लेकिन दूसरे लोग आ गए। अच्छा 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 ये देख नीचे पे वो भी आ गया, छाती पीटा हूँ, ए छाती कौन सी पीटा हूँ कौन सा वो नीचे आया छाती पीटा हूँ क्या नाम वो आईडी आईडी क्या है अच्छा ये रहा मतलब वो छाती पीटा भी अपने आप को बहुत बड़ा अलग सेलिब्रिटी समझता है ना, मतलब कि हॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है वो, तो मतलब जब हम लोग का बैड होते हैं तो वो ऐड नहीं होगा, उसको ये लगता है कि उसका फेम हमें मिल जाएगा। ओ छाती पीटा बग्गा लगता नहीं है, ऐड नहीं हो रहा, मैंने ऐड करने की कोशिश की। अरे उसके दिमाग में ये डिक्लाइनिंग, अरे उसके दिमाग में ये चल रहा है कि वो बहुत बड़ा वो है। सुनो छाती पीटो, तुझे है ना दिल्ली हरियाणा के आगे कोई नहीं जानता, समझ रहा है ये बात को, मतलब तू ये जो तेरे दिमाग में ये कीड़ा लेके चल रहा है ना, इकोनॉमी क्लास में सफर करने वाले, तेरी औकात ही क्या है ये तो बता लोगों को। ए छाती पीटो, सुनो पदौड़ी भाई, हम लोग फोर स्टार होटल में गए, थ्री स्टार होटल में गए, इनको पूछो एक भी जगह पे बिल भरा है क्या, पूछो इनको, ये बता इसको। हाँ सिर्फ एक जगह बिल आया था हमने, कोल्ड कॉफी और टी वगैरह, मतलब सब पी ली, तो वहाँ 50% भाई ने डिस्काउंट करवा दिया एकदम ही, 800 कुछ का था, एकदम 430 रुपए देने पड़े। और डिनर फ्री, डिनर करने गए थे हमने वहाँ, जो वहाँ का जीएम था वो दीपक का बहुत बड़ा फैन है, हमने वहाँ बोला सर पैसे ले लो, उसने मना किया कि नहीं नहीं आप दीपक के गेस्ट है, मैं कभी दीपक के गेस्ट से पैसे नहीं लेता, आप एक रील बनाओ, फिर हमने उनके साथ एक रील बनाई दीपक ने, हमने भैया उसको शेयर करना मेरे को, पनवाड़ी भैया तो चले गए, कहाँ चले गए ये अच्छा एकदम ऊपर दिखो क्या है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर है अमृत, फिर कपूर साहब है शायद, वो सब वो डिक्लाइन कर रहे हैं, एक बार और भी हाँ इस डिक्लाइनिंग मैंने किया है। दीपक नींद आ गया, इसने इतने दिन बाद खाना खाया, इसकी हालत देखो क्या हो रही है, हाँ सोएगा जी आज, ये पता नहीं कितने दिन के बाद सोएगा है, पूरी पूरी रात जागता रहता था सादा ना खाना खाना, बोलो आज देख रहे हो उसको कैसे नींद आ रही है, अक्की की बाहों में सो रहा है ये, हाँ मतलब ये आज तो इसको बहुत ही अच्छी नींद आएगी, इतने दिनों से सोया नहीं है ना ये, सही में इसकी बाहों में ही सोएगा आज, ये ज्यादा ही नींद आएगी आज इसको। अरे अब अमृत जी आ गए हैं, दीपक हेलो भाई कैसे हो, गुड भाई गुड, उठ जाओ दीपक वेक अप। अमृत भैया मैंने इनकी बैग छिपा के रखी है और मैं 3 दिन इनको किधर जाने नहीं दूंगा, इन्होंने 4-स्टार होटल बुक की थी, मैंने उनको वहां से उठा के लेके आऊंगी, जब अक्की भाई फोर स्टार 3 स्टार 5 स्टार ये देखो भाई साहब ये आदमी को मैं कैसे बचाऊं, पनौड़ी भी बचा के रखना तो, भाई साहब आपने बेड तो देख ही लिया होगा, मैंने दिखाया है, देखा वो नीचे ही बैठे हैं जब से, मैं अच्छी भाई के साथ 30 रील बनाने वाला हूँ, 30 रील्स आज हम दोनों गए थे मॉल रोड पे, पूरा मॉल रोड जाम हो गया, पूरा ट्रैफिक जाम, जाम कर दे ये यहाँ हाथ ना, गोवा गोवा की टिटोज लेन जाम कर दी तूने, ये ना यहाँ से शुरू हुआ था, ये यहाँ पहले ये यहाँ पे लेटा था, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, या अब तो ये बिल्कुल यहाँ आ गया भाई, अब छाती तक पहुंच रहा है यहाँ तक भाई साहब, इस आदमी ने इतनी मुश्किल से तो इसने बनियान पहनी है अभी मैंने अच्छी भाई को कहा कि आप शर्टलेस हो जाओ मॉल रोड पे, मैंने अच्छी भाई की शर्ट उतार दी भाई, पूरी भीड़ लग गई, तो तुम इतने करीब क्यों आ रहे हो,
कभी तो तुम इसे भाई बोल रहे हो, कभी तो चिपके चले जा रहे हो तुम इससे, क्या तुम कह रहे हो? रियलिटी बता दे, मैं सिर्फ भाई मानता हूँ अक्की को भाई, मैं बस फील ले रहा हूँ, या मैं सिर्फ फील ले रहा हूँ, राइट? नहीं, ही इज लाइक माय ब्रदर, ब्रदर के इतने करीब कौन बैठता है? जब लड़के जवान हो जाते तो इतने करीब नहीं बैठते। भाई बोलना इसका तकिया कलाम है। भाई बोल सब कुछ